हाँ तो भाई आज एक कठोर और कड़ा मैच होने वाला है, क्योंकि देखिए टीम जो है दोनों ना बहुत कठोर और कड़ा टीम है। कैसे? सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में मैच हो रहा है। देखिए लखनऊ है पावरफुल भाई, तभी यहाँ तक बना हुआ है, ठीक है। अब ये 57 नंबर का मैच है, और सबसे इंटरेस्टिंग अगर चीज़ है जिससे कहानी में आता है ट्विस्ट, भाई पिच तो यही है, बाकी दोनों कोई भी टीम खेले उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर ये जो कहानी में ट्विस्ट लाता है ना कि भाई यहाँ पर रन तो बरसात होते हैं, ये तो सच्चाई है। और एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ पर खूब से खूब जानते हैं आप 3 से 5 तक ही जा सकते हैं बैट्समैन में, मतलब कि 3 बैट्समैन से लेकर 5वां नंबर तक यही लेके जाना है। प्लस में क्या है ना, बॉलर्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊँ यहाँ पर कि ना स्पिन ना फास्ट, ना लेफ्ट आर्म राइट और ना ही लेग ब्रेक, सबके लिए बराबर है यहाँ पर। तो इस सिचुएशन में क्या करना होता है, सबसे पहले बैट्समैन का डाटा देखना होता है, कैसे हेड टू हेड खेली है, कैसे ग्राउंड पर खेल रही है। उसके बाद टीम में जो है ये अपना बॉलर्स को डाटा आपको देखना पड़ता है कि कैसे बॉलर्स यहाँ पर ग्राउंड में खेले हैं और हेड टू हेड कैसे खेले हैं, ये डाटा देख करके आपको टीम को क्रिएट करना पड़ेगा। बाकी इस जगह पे और कोई ज़्यादा सोल्यूशन है नहीं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करें, एक वीडियो को देखिए झमाझम लाइक कर दीजिए, और अगर इन दोनों में से आज का मैच जीतेगा कौन अगर बता सकते हैं तो बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं मेरे ऊपर, आपका जानते हैं क्या होगा, है एहसान होगा वो चीज़, ठीक है। और इस एहसान का कर्ज मैं देखिए कैसे चुकाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। 8 मई 2024 7:30 PM ये मैच खेला जाएगा, और ये कर्ज देखिए यहाँ से चुकेगा। और जो मैं बताने वाला आपको अभी 11 खिलाड़ी जिसको लेके जाना है, एक प्रिडिक्शन में आपसे मांगा हूँ कि आज का मैच कौन जीतेगा, ठीक है, वो आपको बताना है। बाकी 11 प्लेयर्स का प्रिडिक्शन प्लस में CBC का प्रिडिक्शन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ इस वीडियो में। अब मैं कैसे दूंगा, आप कैसे बताएंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो आपके ऊपर है, क्या देख के बताएंगे। मैं क्या देख के बताऊंगा आपको, मैं दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं मैच की डिटेल्स देखूंगा, उसके बाद बताऊंगा किसको लेना किसको छोड़ना है, उसके बाद पिच एनालिसिस एंड रिपोर्ट बहुत अच्छे से और डीप एनालिसिस करना है आपको, उसके बाद ही आप किसी भी टीम को क्रिएट करिएगा, एक चाहे दो चार जो आपके हिसाब से हो, मगर देखना इसको बहुत जरूरी, आगे मैं दिखाता हूँ। उसके बाद स्पेशल बॉलर्स एनालिसिस, मतलब इस जगह पे जो मैं स्टार्टिंग किया आपसे है ना, उस जगह पे कैसा बॉलर कौन चलेगा उस चीज़ के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। टीम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मतलब इन दोनों के साथ जब मैच होता है ना तो कैसा दोनों का मोमेंट रहता है, क्या दोनों में कमजोर और फास्ट मजबूत जो भी है कौन है ऐसा, वो चीज़ आगे बात करेंगे। उसके बाद ऑल प्लेयर स्टेटस इन डिटेल्स। अब आप देखे होंगे कल का पुरल का मैंने बात बताया, पुरल इतना अच्छा कहता धूना कि भाई क्या ही बताऊं मैं, ठीक है ना। तो ऐसे प्लेयर्स को भी आपको थोड़ा सा टीम में रखना पड़ेगा, ओके, समझ में आ रहा बात ना। सिर्फ 11 मतलब हाई प्रोफाइल को ही नहीं, एक आध दो तो ऐसे डालने पड़ेंगे जो थोड़ा सा मेंटेन बैलेंस बना के रखे हो इसे। उसके बाद प्लेयर बैटल, ओके, इसमें कौन किसको आउट करता है बैट्समैन को, या कौन बॉलर है जो आउट करता है, ये सारा कुछ आपको इसमें जानने को मिलेगा। रिस्की GL प्लेयर्स जो मैं आपको देने वाला हूँ, जिसका मैं कल भी दिया था डाटा, उसमें से आप 2 प्लेयर जाकर देखेंगे तो आज भी आया हुआ है, ठीक है। तो आज भी वही चीज़ मिलने वाला आपको, प्लस में GL और SL टीम भी साथ में इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये आपके लाइक का जो एहसान का कर्ज है ना भाई, यहीं पर चुका के जाते हैं, लेके नहीं जाते हैं, ठीक है। अपना आपके एहसान यहाँ पर एक लाइक करके दे सकते हैं। अब देखिए ये सब कुछ करिए, मगर सवाल ये है कि भाई फेक लोग थोड़ा सा बच करिए, क्योंकि फेक चीज़ों का कभी ना कभी अंत होता है, और बहुत बुरा अंत होता है उस चीज़ का, जो गलत होता है ना उसका बहुत बुरा अंत होता है। तो ये लोग क्या है ना, मेरा नाम लगाया रियल वर्ल्ड सब लिखा सब, मगर सब सला फेक है, ये लोग नाम भी मेरा रखा सब, फोटो भी मेरा लगाया सब, मगर फेक है भाई। आपको हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम ज्वाइन करना है, इस पर करेंगे तो ना टीम आएगा ना कुछ आएगा, उसका मर्जी है ना, कब क्या करेगा कहने को, दिल में घुसा है, हम तो आपके निरंतर काम कर रहे हैं, समझे। और मैं अपनी टीम आपको यहाँ पर दूंगा पूरे एनालिसिस के साथ, कैसे आपको ज्वाइन करना है, इस मोर पे आपको क्लिक करना, मोर जस्ट भाई साहब नीचे दिखता होगा, देखा, उस पर क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे ना, ये टेलीग्राम यहाँ पर 3 मैंने दिया हुआ ऐसा, 3 ठो ऐसा ऐसा है ना, 3 ठो होगा, उसमें किसी पे भी क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे, और इस जगह पे आपको ये ज्वाइन का बटन है ऐसे, जहाँ टिक लगाया हूँ मैंने ऐसा, यहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर लिया, एक लाइक मुझे आपको यहाँ भी दे देना, प्लस में चैनल पर नए हैं ना तो ये डेप्थ एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि एक क्रिकेट एक्सपर्ट गुरु जी यूट्यूब चैनल पर जो आपको मिल जाएगा ना, शर्तिया है, शर्तिया इसको बोलते हैं, शर्त के साथ ताव से बात करता हूँ, कहीं भी खुल लीजिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हम मेहनत करते हैं भाई दूसरा करने में सोचना पड़ेगा, कर सकता है मगर अभी तो सोचेगा नहीं कर पाएगा, जब वो करके लाएगा तो उससे हम 2 कदम आगे रहेंगे, जो आगे है वो हमेशा आगे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर सब कुछ फ्री है, है ना, चाहे टेलीग्राम पे चाहे यूट्यूब पे, अगर मेरे नाम पे आपसे धांधली किया जा रहा है या कोई मांग रहा है या भविष्य में सोचे देने के लिए तो मत दीजिए, क्योंकि हम ना आज ना पीछे ना आगे कभी आपसे पैसे लेते ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए, अगर पैसा वैसा दे रहे भाई तो उसका जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम उसका जिम्मेदार नहीं है, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, 160 से 180 यहाँ पर एवरेज बनता है लगभग में, और 277 पे यहाँ पर 3, यही हैदराबाद मारा था ना, कौन मारा था,
चलो बताओ, तू ही बता था भैया कौन मारा था हैं? तो ये हैदराबाद मेरे हिसाब से था ना, बाकी अपने हिसाब से आप बताइएगा, मगर बताइएगा जरूर, चाहे कुछ भी लिखिए वहाँ पर। उसके बाद 80 रन पे 10 विकेट भी यहाँ पर गिरे। तो मैं वही सवाल आपसे फिर से कर रहा हूँ कि मैं जो 5 और 3 जो बताया हूँ ना, वो चीज़ को बहुत ध्यान से देख के ही टीम बनाइएगा, ऐसे नहीं बनाना। और दोनों टीम का बैट्समैन चाहे बॉलर सब अपने आप में फॉर्म में, तभी यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। लास्ट मैच की अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, SRH वर्सेस RR के बीच मैच हुआ था 2 मई 2024 को, तो इसके बारे में क्या हुआ आगे बात करेंगे। सुटेबल फॉर गुड विकेट टू बैट के लिए अच्छे हैं भाई, जब यहाँ पर 277 बना तो बहुत अच्छा है विकेट, ऐसा नहीं है। और 80 पे 10 है, मतलब 60 और 50 नहीं है यहाँ पर, समझे, अच्छा है, इक्वली बैलेंस मिल जाता है यहाँ पर। पेसर गेट मोर हेल्प, पेसर को थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट मिलता है, मगर देखा जाए तो 8 मैच में 31 विकेट स्पिनर है, तो 55 विकेट पेसर से, तो स्पिनर्स भी कम नहीं है, समझे। आगे दिखाऊंगा कब कौन सा इनिंग में कितना विकेट गिरता है, फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग। तो कल बंदा पूछा हमसे कि भैया फर्स्ट इनिंग में कितना गिरता है, सेकंड इनिंग कितना गिरता है, ये बता दें, बहुत अच्छा लगे भैया, ऐसे ही सब है यार, ये जो भगा भगा देखते हैं सब ना, वो चीज़ मिस कर जाते हैं, फिर पूछेंगे वो चीज़ के बारे में, तो अच्छा नहीं है। एक बार देखिए, अच्छा से देखिए, देर आइए दुरुस्त आइए, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में 201 बनाया 3 विकेट पे, 200 रन पे 7, ठीक है ना, 206 7 है यहाँ पर, 171 पे यहाँ पर 8 है, 165 पे 5 है, तो यहाँ पर 166 पे क्या है, 4 है, 277 पे 3 है, तो यहाँ पर 246 पे 5 है। आगे बात करेंगे इनके बारे में, कैसे कैसे कब कब कितना क्या हुआ था, कब स्पिनर ले गया, कब विकेट पेसर ले गया, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग सब कुछ बात करेंगे। बाकी इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं, ये फर्स्ट इनिंग में कुछ विकेट गिरे और कुछ सेकंड इनिंग में ऐसे तक के विकेट गिर रहे, मगर अभी IPL जो है ना खतरनाक स्टेज पे आ चुका है, थोड़ा सा उलट फिर इसमें हो सकता है, 1-2 विकेट का कम बेसी आ सकते हैं, ठीक है। वेन्यू की बात करें तो 75 मैच टोटल हो चुका है, 35 मैच देखिए फर्स्ट इनिंग वाला जीता है, तो 39 मैच यहाँ पर सेकंड इनिंग वाला जीता है, इसमें तो ज़्यादा अंतर नहीं, समानताएं हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब बेलो स्कोर 150, मतलब 150 से नीचे जो रन बना है ना, 35 बार देखिए यहाँ पर रन बन चुका है, तो इतना भी दूध का धुला इस वेन्यू को ना माने, एकदम मतलब कूट पीट होवे करेगा, है ना, तो दोनों चीज़ें आ सकती है यहाँ पर। उसके बाद 150 से 169 11 बार, 170 से 189 12 बार, 190 से ऊपर रन 17 बार बना है भाई। अगर मान लीजिए 180 क्रॉस किया तो फिर अच्छा खासा रन बन के निकलेगा, क्योंकि 17 बार ये है, इसमें थोड़ा सा गाड़ी फंसता है इनका, ठीक है ना। तो आज के मैच में आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या रन बन सकता है? #SRHRun, #LKNRun। अब #, बताऊंगा कैसे, लीजिए #, बता दे रहा हूँ सब कुछ बताऊंगा, देखिए है ना, यहाँ पर LKRS उल्टा लिखाता है का यार, LKN है ना, ऐसा आपको लिखना है, प्लस में यहाँ पर रन जो भी है 120 130 500 1000 10000 जो भी बने यहाँ पर, फिर अगर नहीं तो आपको लगता है LKN नहीं जीतेगा आज, SRH जीतेगा, तो भाई SRH के नाम पे आपको यहाँ पर लिख देना बाकी रन, #, मगर लगाने का, ठीक है। सभी का #, देखूंगा सभी का रिप्लाई भी करूंगा, चले फिर इसका स्क्रीन शॉट एक ले लीजिए आप, ओके हो गया। अब देखिए आगे बात करें, जो मैं बात कर रहा हूँ रिसेंट मैच ऑन दिस वेन्यू, तो 2 मई 2024 का मैच हुआ था, SRH 201 3 विकेट पे 20 ओवर खेल के बनाए थे, बाकी RR यहाँ पर 200 रन बना पाए थे, बिल्कुल 1 रन से कम हो गया था, 7 विकेट 20 ओवर में, 3 विकेट फर्स्ट इनिंग में पेसर्स को मिला था, स्पिनर्स को एक भी नहीं मिला था, है ना, 2 मई को जो हुआ है, और 7 विकेट पेसर्स को मिला था सेकंड इनिंग में, स्पिनर्स को एक भी नहीं मिला था। बाकी 5 अप्रैल 2024 का ये मैच है, इसमें 4-1-1-3 है ना फर्स्ट इनिंग में सेकंड इनिंग में। उसके बाद RCB और SRH का हुआ था मैच, तो यहाँ पर देखिए 206 है 7-20, यहाँ पर 171 8 और 20, देखिए SRH का एक ही गलती हमको दिखता है, बाकी सब ठीक है। अगर इनके टॉप ऑर्डर कोलेप्स हुए हैं तो भाई पीछे से फिर हम सब मतलब कहाँ बताए, सब एकदम नहीं होता, एकदम भंगिया के सब आया, सब मरवे करेंगे, चाहे हार चाहे पार, है ना, चाहे 50 रन में टीम ऑल आउट क्यों ना हो जाए, हमको मतलब नहीं, हम मारेंगे। तो ये SRH की टीम में खून खून में क्या है, पसा हुआ है, ठीक है। अब मारेगा तो दम भर मर वो करता है सब, ठीक है ना, मारा सर 3 विकेट 20 है, ठीक है। MI से टीम 246 पे दम तोड़ दिया, उसका पीछा नहीं कर पाया। ये फर्स्ट इनिंग में ये स्पिनर्स का है, ये पेसर्स का है, फिर सेकंड इनिंग में देखिए ये पेसर्स का है, ये स्पिनर्स का है, तो इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप, इससे लेने से समझ में आएगा आपको कि विकेट में स्पिनर्स को पेसर को कब कितना मिल रहा। मैं जहां तक देख पा रहा हूं ना, यहां तो फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को मिल भी नहीं किया, यहां कम से कम 1 विकेट मिला था स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। यहां भी 1 विकेट है, यहां भी 1 विकेट है, हाँ सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को अच्छा मदद मिल जाता है लगभग में, 5 है 1 है 3 है, यहां तो 0 है, समझ में आ रहा बात। तो फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स थोड़ा सा लेके चलना मुश्किल, थोड़ा सा काम रहेगा बस, बाकी और कोई उतना इशू नहीं है। स्क्रीनशॉट हो गया इसका, चले चले भैया आगे। अब ये चीज़ ये भी लगा लीजिएगा कि SRH चेस करने में कैसी है और स्टार्टिंग में रन बनाने में कैसी है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर SRH का और चेस करने में आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों चीज़ में,
ओके, स्क्रीनशॉट आई होप के ले लिए होंगे, तो उसमें आप फिर से मिला लीजिए जब टीम क्रिएट करेंगे तब, है ना। 8 मैच की मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 मैच की हो तो फिर कहासुनी हो सकता है, मगर 8 मैच में उतना कहासुनी ज़्यादा नहीं होता। 8 मैच में क्या हुआ, राइट आर्म फास्ट को देखिए 10 विकेट मिले, राइट आर्म फास्ट मीडियम को 14 विकेट मिले, राइट आर्म मीडियम को 13 विकेट मिले, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम को 18 विकेट मिले। तो लगभग फास्टर को लगभग में सभी को मिल रहा है विकेट, ठीक है। अब अगर स्पिनर में आते हैं तो लेग ब्रेक को 8 विकेट है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन को 1 विकेट है, ऑर्थोडॉक्स को 10 विकेट है, ऑफ ब्रेक को यहाँ पर 12 विकेट है। तो मतलब इन या इसको सिर्फ चाइनामैन को छोड़ा के देखा जाए तो सब लगभग में टीम में रहने के दावेदार हैं, मगर सवाल कंडीशन ये आता है कि स्पिन फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा कम ही रखे तो अच्छा, सेकेंड इनिंग में रख सकते हैं यहाँ पे कट, ठीक है ना। हैं चले आगे, अब देखिए इसका अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने बोले सर लेने भी नहीं दे रहा आप तो है। अब देखिए इन दोनों के बीच में मैच हुआ है, 3 मैच हुए हैं जिसमें से हैदराबाद 0, कितने लोग लिखे हैदराबाद हैं, हाथ उठावा थोड़ा देखे हम, अच्छा इतने लोग लिखे हैं। और यहाँ पर लखनऊ 3 बार, अभी भी अपना सवाल को आप चेंज कर सकते हैं, चाहे दूसरा सवाल मार सकते हैं, भाई आज मैच कौन जीतेगा डंके की चोट पे आपको बताना है, पढ़ूंगा इसलिए पूछ रहा हूँ, बाकी और कोई बात नहीं, और लोग तो पढ़ते भी नहीं, तो क्या ये बताना है, यहाँ पढ़ूंगा मैं। बाकी 10,000 का फ्री रोल जो मैं हमेशा बता रहा हूँ, आज ही बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स बाजी है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। गरीब गरीब क्यों रहता है, क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करता, जो एक लेन बना उस पर वो चलने की कोशिश करता है, दूसरा लेन को पकड़ना ही नहीं चाहता, लेन को चेंज करिए आप, ठीक है। फ्री में 10,000 रुपये अगर मिले तो मेरे हिसाब से कम दें, हाँ एक कंडीशन में ये है कि आप डाउनलोड करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको कुछ डिपॉजिट तो मिल ही जाएंगे बोनस के तौर पे, उसके बाद ये फ्री में लीग आप लगा पाएंगे, बिल्कुल 0 रुपये में एक भी लगाने का जरूरत नहीं इसमें। आप इसमें जीतते हैं तो वो पैसे आपको डायरेक्ट विड्रॉ नहीं होंगे भाई, ये कंडीशन थोड़ा सा रखा गया इसमें, उस पैसे से फिर से आपको फिर अपना टीम आना, जैसे इसमें 10,000 में से मान लीजिए आप 20,000 कर ले इसको जीत करके, तो ये आप अभी ले नहीं सकते, इससे क्या होगा आपका आज इसे लगाएं कुछ पैसा जीत गया, उससे फिर आप टीम बनाइए, ठीक है ना, उससे जब टीम बनाएंगे आपका, उससे जब पैसा जीतेंगे ना तो आप विड्रॉ आसानी से कर पाएंगे, तो बिल्कुल फ्री का चीज़ मिल रहा है, प्लस में एक्सपीरियंस टीम बनाने का अलग मिलेगा आपको, तो मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, डाउनलोड कीजिए और मेरी तरह साथ में स्पोर्ट्स बाजी भी खेलिए, है ना। हम भी ऐसे ही डाउनलोड किए थे, चलो करते हैं एक बार, अरे क्लियर भाई आज तक क्लियर है, आपको भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं आज मेरे कहने मान लीजिए, ठीक है, आपको सही ना लगे 5-10 दिन में आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, कोई आपसे कुछ नहीं होने वाला, जब 2-2 साल से आप देख रहे रखे हैं टीम ये बना रहे हैं तो 10 दिन ट्राई करें, मल्टीपल ऑप्शन है, मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे जीतेंगे पैसा। बाकी कुछ पैसे आप डिपॉजिट अगर करते हैं इसमें तो 7% एक्स्ट्रा रियल कैश मिलता है, जो कि प्रॉफिट 7 आपको डाल के डिपॉजिट करना है, 30 मई तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, लाखों लोग फायदा उठा रहे तो आप भी फायदा उठाइए, ठीक है। ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाके मज़ा नहीं आता, जो शांति मज़ा है भीड़ भाड़ में नहीं है, इतना आप जान लीजिए, है ना। पॉसिबल लाइनअप ये हैदराबाद का आप देख पा रहे हैं, टीम इनके पास भी जबरदस्त है, 1-2-3 में देखे तो सब जबरदस्त है, ऐसा नहीं, मगर इनका एक ही चीज़ अच्छा नहीं है कि बस एक लाइन पकड़ता है सब, बोला मैंने कि एक लेन को चेंज भी करना पड़ता है कभी कभी, ये लोग चेंज नहीं करता सब, है ना। अब ये प्लेयर, ये इम्पैक्ट प्लेयर इसमें से कौन आगे खेलने, आगे हम बात करेंगे इसमें, उससे पहले अभिषेक शर्मा का प्रेडिक्शन किया जाए या फिर क्या करना है इनके बारे में। अब एक चीज़ बता दो, प्रेडिक्शन मतलब होता है भविष्यवाणी, पता है ना, हैं लोग समझते हैं प्रेडिक्शन मतलब एकदम हो ही जाएगा ये चीज़, ऐसा नहीं, भविष्यवाणी कभी सही कभी खराब भी हो जाता है। अब यहाँ तो आपसे मैं एक भविष्यवाणी मांगा हूँ ना, देखिए उसी में से 50% लोग का गलत हो जाएगा, दिए होंगे भाई ना कुछ SRH को तो कुछ लखनऊ को दिए होंगे, ठीक है, गलत हो जाएगा। हमसे आप कितना ले रहे हैं, 11 ले रहे हैं, अरे भाई मजाक है, 11 में से अगर आपको मैं 9-10 चला के दे रहा हूँ तो क्या कम है वो चीज़, है होता है कभी कभी मिस्टेक, बढ़ो का बढ़ो 11 सब निकल जाए, होता थोड़ा सा बहुत रियर केस में से होता है, समझे, सच्चाई है जो फैक्ट उसी के बारे में बात करूँगी, यानी कि भाई सलाह खाऊंगा आम और बोलूंगा भाई खाया हूँ जामुन, तो वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है, ठीक है, वही बताऊंगा आपको, ये सच्चाई है, थोड़ा सच्चाई को समझ के खेलेंगे ना तो आपको आराम रहेगा, मजा आता है खेलने में। 11 मैच 326 रन 0 विकेट, देखिए बॉलिंग वॉलिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हेड टू हेड में 2 मैच खेले हैं और 20 रन सिर्फ बनाए थे, लोग ले जा रहे हैं कितना 83%, तो हेड टू हेड थोड़ा सा इनके लिए गंभीर है। अब इनको कौन आउट करता है लखनऊ का, वो चीज़ हम प्लेयर बटन में जान लेंगे, आगे दिखाएंगे आपको, ठीक है, तो उससे आपको बहुत अच्छा एक फ्लो मिल जाएगा, भैया कैसे लेना और नहीं लेना तो क्यों छोड़ना, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा इसमें। 12 मैच इस वेन्यू पे खेले हैं, 183 रन और 2 विकेट, देख सकते हैं वेन्यू भी इनके लिए कुछ खास उतना रहा नहीं, बाकी 11, 12, 15 31 पे 0 और 46 है, बाकी यहाँ पर देखिए फर्स्ट इनिंग में तो 7 रन बनाए थे, एक मैच जो सेकंड इनिंग खेले हैं 13 रन के बना करके 1 विकेट साथ में लिए थे, बाकी 5 मैच में फर्स्ट इनिंग में इस वेन्यू पे 98 रन 1 विकेट है, और सेकंड इनिंग में 7 मैच खेल करके यहाँ पर 85 रन 1 विकेट है, और लोग ले जा रहे कितना 83% अभिषेक शर्मा को,
ठीक है ना। उसके बाद ट्रेविस हेड, हेड की बात करें 10 मैच में 444 रन है और कितना 44 का ही एवरेज इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। हेड टू हेड नोट प्लेट है। हाँ, इस वेन्यू की बात करें 36 का एवरेज इनके पास भी है, अभी 96% लोग लेके जा रहा है ट्रेविस हेड को, प्लस में 60 का एवरेज इनका फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 21 का एवरेज है इनके पास। तो फर्स्ट इनिंग में ही क्यों ना ट्राई किया जाए इस वेन्यू के हिसाब से, ठीक है ना। 48, 58, 13, 1 और 89, तो ट्रेविस हेड पर तो मेरे को भरोसा है कि चलो भाई दो बार फ्लॉप है तो भाई तीन बार चल वो किया है ना। अभी से एक शर्मा का थोड़ा सा लफड़ा फंसता है, इनके लिए प्लेयर बैटल देख लेते हैं तो आगे बात कर लेंगे, या नहीं तो चुप चुप चाप से टेलीग्राम को नीचे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। अगर मैं लेता हूँ तो बिल्कुल आप लेके चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, हम तो ऐसे लेंगे नहीं, आनर लगा गया यार उठा के पकड़ लिए रख लिए हम भी पैसे लगाते हैं भाई, तो हम भी देखेंगे उस चीज़ को उसके बाद ही लेंगे ना। ऐसे मगर ऑन बोर्ड अभिषेक शर्मा के लिए टिप्पणी करना मेरे हिसाब से अच्छा है, एक ऑप्शन नहीं होगा। बाकी आपके सामने है डाटा, आप चाहें तो हमें टीम में रखें है ना, कोई उसमें इशू नहीं वाली बात नहीं है। बाकी मयंक अग्रवाल अगर खेले तो बहुत एक अच्छा ऑप्शन निकल के आ रहा है मेरे लिए है ना। 4 मैच 64 रन, 16 कवरेज हेड टू हेड भी है और 21 कवरेज इस ग्राउंड पे थोड़ा सा अच्छा कहे तो है। बाकी 5, 16, 11, 32 और 13 6%। तो मैं अभिषेक की जगह अगर खेलते हैं तो सही बात है, खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं इस मयंक अग्रवाल को ही लेकर ट्राई करना चाहूँगा। कहाँ 83, कहाँ 6% यार बहुत अंतर है, ठीक है मैं इनको ट्राई करना चाहूँगा। बाकी फर्स्ट इनिंग में 8, सेकेंड में 23, फर्स्ट इनिंग में 9 और सेकंड में 3, मतलब सेकंड इनिंग थोड़ा सा अच्छा जा रहा है इनके लिए, तो सेकंड इनिंग को भी ट्राई कर लेंगे हम, कोई इशू नहीं उसमें। हेनरिक क्लासेन, क्लासेन की बात करें तो भाई साहब 47 कवरेज एक ही मैच खेले थे हेड टू हेड में। उसके बाद इस ग्राउंड पर देखिए 65.50 का एवरेज है, 86% टीम में ले जा रहा है, 47% का एवरेज इनके पास फर्स्ट इनिंग में अच्छा है, 130.50 का एवरेज फर्स्ट इनिंग में इस ग्राउंड पर, 30 का एवरेज सेकंड इनिंग में इस ग्राउंड पर। तो फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करते हैं, ठीक है ना, क्लासन को। हालांकि क्लासन 2, 42, 90, 20, 60, 45 क्लासन का स्पीड जो है ना मेरे को अच्छा लगता है देखने में, छक्के तो मतलब क्या ही बताओ। तो क्लासन को मेरे हिसाब से दोनों जगह ट्राई करते हैं, दोनों में, सेकंड फर्स्ट दोनों में, ठीक है। कीपिंग का एक अच्छा ऑप्शन भी है और दोनों में ट्राई करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, क्लासन के लिए खासकर मैं बोल रहा हूँ। एक पे थोड़ा सा मैं लेके जाता हूँ क्योंकि क्लासन का वो अंदाज जो है ना बाबू 86% का होता है, 1000% भी होना तो वो अंदाज कम है। मान लीजिए अगर टेक्निकली देखा था मैच का रुख अकेले बंदा पलट सकता है क्लासन, इतना पावर है ना नितेश रेड्डी। अब रेड्डी की बात करें तो रेड्डी देखा यहाँ पर 20 पे 0, 76 नबाद 15, 13 और 37 पे 2 है। इस जगह तक बैट्समैन ब्लॉक कर लिया, लखनऊ के कुछ बॉलर्स चलेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुट्टा जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है चलेंगे, विकेट गिरेंगे। 88% लोग इनको टीम में लिया है, 76 और 27 फर्स्ट इनिंग में इनको आप ट्राई कर सकते हैं नीतीश रेड्डी को, ठीक है। अब्दुल समद की बात करें, ये मतलब अब्दुल समद का देखिए 9 मैच में 109 रन है, तो 5% टीम इनको भी हालांकि लेकर जा रहा है। अब्दुल समद लोग को ट्राई करने का मतलब है कि ऊपर से फिर फ्लॉप करना पड़ेगा टॉप ऑर्डर, तब जाके मजे आएंगे, नहीं तो फिर वो लोग इतना है ना कि वहां तक आराम से वो लोग खेल सकते हैं, यहां पहुंचने नहीं देगा। अब मिलेगा भी तो एक आध दो ओवर मिले तो उसमें क्या ही मारेंगे अब्दुल समद, और देख ही सकते हैं मारने आ भी रहे तो 3 रन, कभी 19 रन, कभी 10 रन, कभी 13 भी चले जा रहे हैं, तो मेरे को मजा जो चाहिए वो नहीं और अब्दुल समद से। बाकी शहबाज अहमद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 5 मैच में 3 विकेट यहाँ पर है और 3 मैच हेड टू हेड खेले, 0 विकेट, इनको विकेट नहीं मिला हेड टू हेड, मतलब लखनऊ के विकेट नहीं ले पा रही है। 11 मैच में 186, 10% लोग टीम में ले गया। विकेट के लिहाज से लेके जा सकते थे शहबाज को, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 विकेट मिला ही नहीं है, मगर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स थोड़ा सा यहाँ पर विकेट पा सकते हैं इस ग्राउंड पर, क्योंकि इनको भी 3 विकेट मिले इस ग्राउंड पर, ठीक है। तो उसके लिहाज से जा लेके जाया जा सकता शहबाज को। बाकी अभी करते हैं इम्पैक्ट में डालते हैं अपनी टीम में, क्यों डाले इम्पैक्ट में, क्योंकि देख रहा हूँ मैं कि इनसे बेहतर अपने के पास कौन ऑप्शन है। जैसे मार्को जैसन, जैसन का ये ऑप्शन अपने पास इसलिए है कि 3 में 18, 1 है, बाकी नॉट प्लेड है, 5 में 16, 6 विकेट यहाँ पर है इनके पास, समझ में आ रहा है। रन तो ठीक है, इतना नीचे क्या ही रन से उम्मीद करूंगा मैं, 5 में 6 विकेट है, 36% लोग टीम में लेकर के जा रहे हैं इनको, 4 में 6, 1 में यहाँ पर 0 विकेट है, फर्स्ट इनिंग में ही 4 में 6 विकेट इनको मिला था, समझे, 17 पे 1 है, 0 है, 0 है, 1 है और 2 है। मार्को जैसन लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, ठीक है भाई मार्को को रखता हूँ मैं, ठीक है ना, मार्को को टीम में रखता हूँ। हाँ अभी और देखना बाकी है कि कौन ओवर में ये करने आ रहे बॉलिंग, किस ओवर में, पावर प्ले या डेथ में, वो चीज़ और थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, जान डाल देगा इसमें, बाकी अभी के लिए मार्को। ओके, पैट कमिंस, कमिंस की बात करें 5 में 6 राइट आर्म फास्ट, 11 में 13 विकेट पैट कमिंस, 1, 2, 0,
1-0 85% पर कमिंस। सेकंड इनिंग में 2 में 4 विकेट इस ग्राउंड पे है इनका, समझे? तो सेकंड इनिंग पैट कमिंस को आप ट्राई कर सकते हैं। नटराजन की बात करें तो नटराजन भाई साहब थोड़ा सा यहाँ पर 3 में 2 है 9 में 15 विकेट में ओवरऑल देखा था अच्छा खासा भाई, यहाँ 11 में इनका 13 हुआ था, 9 में 15 पहुँचा दिए, तो हल्के में नहीं ले सकते नटराजन को। बाकी 10 में 12 विकेट इस ग्राउंड पर भी अच्छी खासी है अगर देखा जाए रिपोर्ट तब, है ना। और 9 तक इकोनॉमी इनका पहुँचता है, इनका तो 9.5 पहुँचा दिया सब मार के पैट कमिंस का। 0-2-1-2 यहाँ पर 4 विकेट 69% टीम में ले गया, तो मैं तो टीम में लेके जाने वाला हूँ नटराजन को फिर से एक बार, पहले 0 में आउट हुआ था, है ना, मगर इस बार लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि आगे लखनऊ है, लखनऊ भी थोड़ा सा मुडियल अंदाज का सब, है ना, क्या यूपी वाला है ना, मेरे को पता है हम भी यूपी वाला ना, तो उसे जानते हैं, बस आओ ताओ वाला काम होता है यहाँ पर। भुवनेश्वर कुमार, भुवनेश्वर की बात करें तो 11 मैच में 9 है 3 में 1 47 में 46 विकेट है 1-3-1-0-1। देखिए भुवनेश्वर का हमेशा लफड़ा वही फंसता है कि आप अगर टॉप ऑर्डर को लखनऊ से कोलैप्स करवा रहे हैं तो बिल्कुल भुवनेश्वर ट्राई आप कर सकते हैं, नहीं था मतलब भुवनेश्वर को ट्राई करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये बहुत अपना ओवरऑल के बीच में निकल लेते हैं स्टार्टिंग में, समझे? 36% और टीम मिलेगी, आप थोड़ा सा भरोसा जताना स्टार्ट किया सब जब से विकेट मिलना है स्टार्ट हुआ, नहीं तो यहाँ तो छोड़िए दिया था सब लेकर चलना है। बाकी फिर भी देख लीजिए 24 में 24 विकेट फर्स्ट इनिंग में, 23 में 22 विकेट, मतलब एक देखिए एक मैच में एक विकेट ऐसा एवरेज इनका रहता है, 3 विकेट इतना आसानी से नहीं मिल जाता है, समझे? उसके बाद यहाँ पर सनवीर सिंह की बात करें तो सनवीर सिंह का देखिए 1 मैच में 8 है बाकी नॉट प्लेड है, 8-35 मौका नहीं है, 0-74 है, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट खिलाड़ी जो है ना इम्पैक्ट ला के डाल सकता है, हैदराबाद के लिए अगर खिलाते हैं तब, ठीक है? तो इम्पैक्ट के जगह पे अपना जो है एक अपने को रखा जा सकता है, अब किसके जगह पर रखना है वो रोटेशन देखिए आपके हाथ में देना, जो मैं टॉप के बल्लेबाज बताया 3 उसमें से किसके नितेश रेड्डी के जगह पर जाया जा सकता है इनको लेकर के, ठीक है? मेरे हिसाब से लग रहा है जैसे, बाकी अपने हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं, मेरे हिसाब से वहाँ पर इनको डाला जा सकता है, अगर तो नीतीश को अगर नहीं डालेंगे तो नीतीश के जगह पे एक और बैट्समैन है, क्या था नाम याद नहीं आ रहा, खैर कोई बात नहीं, मैं अपने टीम में जब क्रिएट करूँगा ना तो बिल्कुल आपको दिखाई देंगे वो चीज़ आपको कर लेना उसी टाइम से, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टीम जाती है, कोई पैसा वहाँ नहीं लगता आपका और ना देना आपको। बाकी बेंच प्लेयर इसका एक स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए आप, ठीक है? हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे देखें यहाँ पर स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर, मतलब इसमें ये होता है कि पावर प्ले में 6 ओवर कौन डाल रहा है। देखिए भुवनेश्वर कुमार यहाँ पर 1-3-5, भाई वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, हमेशा से बोलते हैं कि भुवनेश्वर मतलब टॉप ऑर्डर कोलैप्स, क्योंकि आप एक बंदे से 3 ओवर करवा रहे हैं, उसको टीम में रख भी रहे हैं, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना भाई, है ना, ये सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद मार्को जैक्सन, पैट कमिंस 4th और 6th करेंगे, ठीक है? अब डेथ में अगर आ जाते हैं आप यहाँ पर, डेथ में देखिए शहबाज अहमद यहाँ पर 15वां कर लेंगे, नटराजन 16-18वां करेंगे, पैट कमिंस 17वां करेंगे, नीतीश रेड्डी 19वां कर लेंगे और मार्को जैक्सन यहाँ पर 20वां करेंगे। हालांकि रेड्डी बॉलिंग भी कर लेते थोड़ा सा, ये थोड़ा सा एक इम्पैक्ट का माहौल डालने के लिए है, बाकी अगर नीतीश से देखा तो रिप्लेस में वही इम्पैक्ट को डाला जा सकता है, ठीक है ना? इसका एक स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, भुवनेश्वर का वही है ट्राई, 3 ओवर फेंकवा रहे हैं पावर प्ले में, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के ही काम करिएगा, उस साइड से भैया केएल राहुल को लेना है कि नहीं लेना है, ऐसे लेके आपको फायदा नहीं होगा फिर। हो अभिषेक शर्मा भैया 4 बॉल में 2 रन देके आउट, मयंक अग्रवाल सर भाई मोहसिन खान तगड़ा मतलब बॉलर है उस साइड से, ठीक है ना, 19 बॉल 33 रन 1 बार आउट, हालांकि पिटाई कुटाई हुआ अच्छा खासा मयंक के लिए। पांड्या, कुणाल पांड्या 27-51 2 बार आउट, हालांकि पांड्या का भी उतना फॉर्म वापस नहीं आया जैसा आना चाहिए, तो थोड़ा सा मोहसिन खान से अपने को डर लगाना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। उसके बाद ये सकते हैं, देख सकते हैं डिपॉजिट कोड आपके लिए इतने सारे हैं, ये इसमें से जो भी डाल के आप डिपॉजिट करते हो ये आपको प्रॉफिट से इतने इतने मिलने वाले हैं, इसको पढ़ सकते हैं आप। गेट 7% एक्स्ट्रा 100 रुपये में भी, मेगा लीग आपको 200 रुपये में डालते हैं IPL 10 डाल के, तो मेगा लीग का टिकट आपको मिल जाता है फ्री, ठीक है, फर्स्ट डिपॉजिट पर। उसके बाद गेट 10% अगर चाहिए एक्स्ट्रा तो आपको 10,000 डालने पड़ेंगे, तब जाके होगा IPL 10, है ना, इसमें आपको 10% मिल जाएगा। उसके बाद जो मैं बोला 10,000 का फ्री रोल आपके लिए, 0 रुपये में ज्वाइन होता है ना भाई, कहीं एप्लीकेशन में आपको मिलेगा नहीं वो चीज़, ठीक है? तो 10,000 आराम से फ्री आप बना सकते हैं। बाकी 39 का ली गई है, इसमें कंपटीशन बहुत देखिए कम होता है, देख रहे हैं यहाँ पर 3,650 लोग सिर्फ खेलेगा, कहाँ 1.5 करोड़ लोगों के साथ खेलते हैं और कहाँ ये 3,650, 1,00,000 का ली गए तो भाई कम नहीं है, अगर आपके लिए कम है तो भाई क्या ही बताऊँ मैं, मेरे लिए कम नहीं है भाई, इतना काम करने के बाद भी मेरे को पता है कि कम नहीं,
अपने पास एक पैसा भी पैकेट से निकलता है ना भाई, अगर गिर गया तो बस सोचने में लगता है, भले लाखों है मगर सोचने में लगता है कि भाई यार एक पैसा गिरा है। तो पैसा अपना पैसा होता है, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से अच्छे खासे आउटपुट निकाल सकते हैं टीम बना करके, जो उधर सोचे नहीं होंगे ना, हाँ ये टाइम लगेंगे क्योंकि एक लाख करके भाई आपको टाइम लगेगा समझे, मगर ये रोज के लिए आपका है, रोज आपके पैकेट में पैसे आएंगे ऐसा है। ओके, उसके बाद देखिए एक सबसे अच्छा एक स्पेशल चीज़ आपको बताऊँ मैं, जो कि इस ऐप को खास बनाता है और लोगों से, हैदराबाद विल विन द मैच अगेंस्ट, जीतेगा कि नहीं जीतेगा, यस मतलब 52,752 रुपये लग गए, इसमें कितना मिलेगा अपने को 35,168 रुपये रिटर्न मिलेंगे। अगर आप मानते हैं कि लखनऊ जीतेंगे तो आप नो लगाइए, 35,168 लगाना पड़ेगा आपको, 52,752 मिलेगा, मगर इसमें 52,000 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास जो कैपेबिलिटी है उस हिसाब से लगा सकते हैं, मतलब 10, 20, 50 पाँचों से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, वहाँ से आप स्टार्ट करके ट्राई करिए, और मैं तो बोलूँगा आप ट्राई करेंगे एक बार ना, ट्राई करते ही रह जाएंगे क्योंकि इतना अच्छा ऑप्शन है। क्यों ऐसा है, अगर मान लीजिए लगता है कि हैदराबाद नहीं हारने वाला है तो एग्जिट का एक ऑप्शन आता है, ठीक है, एग्जिट मार करके आप यहाँ से अपने पैसे को रिटर्न ले सकते हैं, तो ये सही ऑप्शन है ना भाई, और जीत गए तो फिर अच्छे खासा भाई साहब 35,000 लगाए, कोई 52 जीत जाएगा तो यार कम थोड़े होता है यार, है सीधा 3,552 कितना हो गया, करीब 8,500 रुपये हो गया आराम से, है ना, लेके आया कितना 3,500 और लेके जा रहा है कितना 8,500, तो यार कम नहीं होता वो चीज़। बाकी बहुत सारे सवाल है, द टॉस विनिंग टीम विल ओपन टू बॉल, क्या लगता है आपको, इसमें भी 5-5 का चल रहा है, 5 लगाएंगे तो 5 मिलेगा, 50 लगाएंगे 50 मिलेगा, है ना, पहले बॉल करेगा कि नहीं करेगा, ये सारा कुछ ऐसा सैकड़ों सवाल है, जिसका मन चाहे आप उसका जवाब देकर अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं तब, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा ट्राई आपको करना चाहिए, हर एक चीज़ को ट्राई करना चाहिए। बाकी लखनऊ का प्लेइंग 11 आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, पॉसिबल प्लेइंग 11, इसमें एक आध चेंजिंग हो तो नहीं तो फिर नहीं भी हो सकते हैं, जो है यही चलेंगे। चलिए आगे इनके बारे में बात करें, उससे पहले इंपैक्ट प्लेयर के बारे में बात कर लें, इसमें कौन आए खेलने तो आगे देखेंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए अर्शिन कुलकर्णी, कुलकर्णी की बात करें तो पूरा इनका कुलकर्म हुआ है ना, कुछ ज़्यादा है नहीं, कुलकर्म पूरा हुआ, 3% ले गया, तो मतलब भुवनेश्वर के लिए एक शिकार कह सकते हैं, ठीक है ना, एक शिकार है ना भुवनेश्वर के लिए है, एक विकेट तो मतलब मान लो उनका मेरे हिसाब से फिक्स हो गया। उसके बाद के एल राहुल की बात करें, 39, 38, 38, मतलब के एल का कुछ ना कुछ भैया दहाई का आंकड़ा है, आप इतना आसानी से के एल को भूल ले सकते हैं, इसलिए 97% वो टीम में लेकर के जा रहा है। मतलब सवाल ये बनता है कि चाहे तो के एल चाहे तो क्लासन, दो ही ऑप्शन अपने पास है, तो एक क्लासन में भी रिप्लेस किया जा सकता है, इतना आसान नहीं होगा, जान लीजिए क्लासन को रिप्लेस करने से पहले मल्टीपल टीम का जुगाड़ कर लीजिए अपना, मल्टीपल टीम में रख के उसके बाद ही उनको रिप्लेस करके जो इम्पैक्ट में खिलाड़ी थे उसको आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसे इतना आसान मत करिएगा। क्लासन है भाई, अपना दिल का राजा आदमी है भाई, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में 48 हेड टू हेड में, और सेकंड इनिंग में 28 है, यहाँ पर सेकंड इनिंग में 48 है, फिर 22 है, फिर 54, मतलब एक तरफ से देखा जाए इस बंदे के लिए, केएल राहुल के लिए, तो सेकंड इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर फर्स्ट इनिंग से कंपेयर करें तो, समझे। तो चाहे यहाँ पर ये भी देख सकते हैं आप, चाहे हेड टू हेड चाहे ग्राउंड, दोनों में बता रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, 4 मैच में सिर्फ 66 है फर्स्ट इनिंग में, 3 मैच में 162 है, तो केएल राहुल को फर्स्ट इनिंग में भी थोड़ा सा एक बार लेना मेरे हिसाब से सोचना पड़ेगा अपने को। अगर ऐसा होता है तो दोनों को ड्रॉप करें तो बिल्कुल मतलब अपना भुवनेश्वर कुमार को राजा बनाकर टीम में रखना है, मतलब प्रधानमंत्री उसमें, ठीक है। और सेकेंड इनिंग आया तो थोड़ा सा प्रधानमंत्री से नीचे कर दिया है ना, मुख्यमंत्री बना दिया, बाकी इनको टीम में ले लीजिएगा। उसके बाद अगर आगे देखा जाए तो दीपक हुड्डा, ये सब तूफानी ऑलराउंडर है कह सकते हैं, कब कहाँ करें इनको खुद नहीं पता होता है, दूसरा तो अंदाजा लगा ही नहीं सकता। 8 मैच में 134 जीरो विकेट है, 6 मैच में 91 रन है सिर्फ हेड टू हेड में, आप देख सकते हैं यहाँ पर 27% और टीम में ले गया, 4 में 77 और 2 में 14 रन है, ठीक है। 7 मैच में 56, 8 मैच में 109 रन है, बाकी 15 मैच खेल के 165 रन बनाया, 5, 8, 50, 17 और यहाँ मौका नहीं है। तो भाई दीपक हुड्डा के लिए उतना तो मतलब नहीं चाहूँगा, अब भाई दीपक हुड्डा है भाई, हम हुड़ दबंग नहीं करना चाहेंगे आज। स्टोइनिस का अगर देखा जाए तो यहाँ से भाई साहब बहुत अच्छा सुधार इसको कर सकते हैं, अच्छा एक कर सकते हैं, 1 मैच में 40 है, 6 मैच में 106 रन है, 12 नहीं चल पा रहे मगर 3 विकेट साथ में है, तो ये अपने को कवरेज देता है ना। 11 मैच में 352, 4 विकेट है, 97% इनको भी लेके जा रहा टीम में, इनको तो मतलब टीम में रखना ही रखना है ना, मगर एक रिप्लेसमेंट के लिए टीम जो मल्टीपल में बोला उसमें भी रखिएगा, उसमें स्टोइनिस को हटा भी सकते हैं, क्योंकि 97% स्टोइनिस पे आना थोड़ा सा एक सवाल खड़ा करता है, हर दिन एक ही बंदा तो नहीं चलता, हो सकता है आज का दिन है ना, मगर देखा जाए तो ओवरऑल लगभग में ठीक ठाक है। उसके बाद यहाँ पर निकोलस पूरन, जो अंदाज इस साइड दिख रहा था वो अंदाज इस साइड अभी नहीं दिख रहा है,
क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा बैटिंग देर देर आ रही है चाहे कुछ ऐसा, वो अंदाज नहीं है। बाकी यहाँ अंदाज देखे 64 का एवरेज है, 65 का एवरेज इस ग्राउंड में है, ठीक है। हालांकि दो मैच 65-64 बनाए थे ऐसे, एक और था ऐसा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखे 52 का ओवरऑल चल रहा है, 66% लोग टीम में लेके जा रहा है, 40, 76 और 65। सेकेंड इनिंग पूरन का भी बहुत अच्छा जाता है कंपेयर फर्स्ट इनिंग से करें तो। हालांकि पूरन दोनों इनिंग में लेके जाने के लायक बंदा है जिस जगह पर खेलने आता है, ठीक है ना। आयुष बदोनी, बदोनी की बात करें 11 मैच में 152 रन, 15, 6, 18, 8% लोग टीम में ले गया। ये सब मतलब बदोनी चाहे हुड्डा दोनों में से एक खेल कल को बिगाड़ सकता है, इसलिए एक को किसी को ट्राई आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बाकी मैं तो पिच कल देख करके ही ट्राई कर पाऊंगा कि भाई बदोनी चाहे हुड्डा, है ना। मुझे चाहिए आपको तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन रखिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है और बिल्कुल फ्री है। टर्नर की बात करें, ये थोड़ा सा मैच को टर्न करने आता है, हमारा कमेंटेटर बोलता है अपने आप टर्न हो जा रही है, खुद ही टर्न हो जा रहा है, कभी जूता पहले कूद जा रहा है, कभी क्या हो जा रहा है, ठीक है। तो 16, 5, 0, 19, 25 और 4% टर्नर को लेकर के गए हैं। तो मेरे हिसाब से आज मेरे हिसाब से टर्नर को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ऑस्टन टर्नर एक अच्छा बल्लेबाज है, समझे। हम लोग बीबीएल देखे हुए ना, इसलिए बता रहा हूँ आपको, मैं एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, अच्छा बल्लेबाज है। अब लास्ट में आने का नतीजा ऐसा या कुछ ऐसा, हाँ यह है कि हैदराबाद के विकेट बॉलर्स इनके विकेट लेंगे, इनके मतलब लखनऊ वाले के विकेट लेंगे अच्छा खासा। ये सब जितना है ना, हुड्डा बदोनी, ये सब मतलब ताश के पत्ते की तरह बिखर सकते हैं, और नहीं तो चलेगा तो बढ़िया चलेगी भी जान लीजिए, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर वो चीज़ ही ऐसा मतलब भरा हुआ है, बाकी और कुछ है नहीं। कुणाल पांड्या, पांड्या का तो मतलब 13 मैच में, भाई साहब यहाँ देखा 11 मैच में सिर्फ 79 और 5 विकेट, मतलब पांड्या का वो अभी मज़ा नहीं आ रहा। बाकी इस बन्नू पे 5 मैच में 124 है, 5 विकेट साथ में है, 25% और टीम में लेकर के गया है। कुणाल पांड्या को भी मतलब जमता नहीं है रखने को, अभी मज़ा नहीं आता। रवि बिश्नोई, बिश्नोई की बात करें, एक मैच खेल के कोई विकेट नहीं मिला, 11.5 के इकोनॉमी बहुत अच्छा, मतलब तोड़ा ही कर सकते, तोड़ा ही गया इसमें, है ना। हाँ 6 मैच खेल के 8 विकेट है, 11 मैच खेल के 7 विकेट। इस बार रवि बिश्नोई के लिए उतना अच्छा आईपीएल नहीं रहा जितना होता है, जो इनके अंदर है उतना ऐसा नहीं है। 28% और टीम में लेकर के जा रहा है इसीलिए, क्योंकि उतना अच्छा भी नहीं चल पा रहा, परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, तो लेग ब्रेक, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर नवीन उल हक, इस बंदे की बात की जाए तो देखिए 7 मैच में 10 है, बाकी नॉट प्लेड है यहाँ कुछ, 3-1-1-1-2 हमेशा निरंतर मतलब कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ विकेट्स मिल रहे हैं, इसलिए 61% और टीम में ले जा रहा, बाकी डाटा अभी इंक्लूड नहीं है। तो नवीन उल हक तो मतलब ट्राई करने के लायक बंदा बनता है, क्योंकि परफॉर्मेंस एक अच्छा होता है, जिसने बोलता है बाती गंगा में हाथ धो ले भाई, तो वही बाती गंगा है, धोते जाओ जितना विकेट मिलता है लेते जाओ, है ना। मोहसिन खान के लिए देखे तो 8 मैच में 9 विकेट है, और ये मतलब कहते हैं सारज के अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को पानी पिला चुके हैं मोहसिन खान खासकर। तो मोहसिन खान के लिए यही बोलूँगा कि सारज के जैसे जैसे बल्लेबाज को मैं पिक किया हूँ ना, उस लिहाज से मोहसिन खान बनता नहीं है हमारे, मतलब जैसे मैं पिक किया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मोहसिन खान फ्लॉप जाए, तभी तो मैं पिक किया हूँ ना। अब मोहसिन को अगर मैं पिक करता हूँ और मोहसिन अच्छा खासा विकेट लेवे, तो फिर हमारा सारज के बल्लेबाज फ्लॉप जाएगा, तो कहानी में इसी जगह आता है ट्विस्ट, इसलिए हम मोहसिन को ड्रॉप करेंगे। हालांकि बॉलिंग में कोई शक नहीं है मेरे को, ठीक है। यश ठाकुर 2 में 2 है 9 में 11 विकेट और 1 में 1 विकेट इस ग्राउंड पे है, 24% लोग टीम में लेकर के जा रहा है। तो इस जगह से देखा जाए तो यश ठाकुर, मान लो अगर इम्पैक्ट में रहते हैं खेलते हैं, तो यश ठाकुर को ही हम ट्राई कर पाएंगे, ठीक है। बाकी मोहसिन खान को अगर ये ना खेले तब हम मोहसिन को ट्राई कर पाएंगे, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे इम्पैक्ट में यश ठाकुर को, क्योंकि यश ठाकुर कभी कभी अच्छा मुडियल मतलब कह सकते हैं विकेट मिल जाता है मिडिल ओवर का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा। उसके बाद यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स, हालांकि यार मोहसिन को भी छोड़ने मेरे को थोड़ा तरस आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि मोहसिन भी एक अच्छा बॉल बॉलर है यार, विकेट्स मिल सकते हैं इनको भी, 2-3 विकेट ऐसा नहीं है, 2 विकेट तक जा सकते हैं। यस या मोहसिन दोनों में से किसको रे भाई, सिक्का उड़ा यार, उड़ा सिक्का, किसका आता होता भाई, हेड या टेल, हेड में मोहसिन और टेल में यश ठाकुर, उड़ा के ले लेना, ठीक ना। क्योंकि दोनों का चाल डाल रंग संग सब वही दिख रहा है मेरे को, ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद ये देख सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स का बेंच प्लेयर्स, इसका स्क्रीन शॉट आप रख सकते हैं। अमित मिश्रा वगैरह नहीं ना आता है खेलना, आया तो थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर में तो जैसे देखें मार्कस स्टोनिस पहला ओवर फेंकेंगे, मोहसिन खान दूसरा और चौथा फेंकेंगे, वही चीज़ आ गया ना, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को अंडबंड लगता है थोड़ा सा, नवीन उल हक तीसरा पांचवा फेंक देंगे, यश ठाकुर छठा फेंक देंगे, तो मार्कस मान लो रखा जा रहा है, एक टीम में नहीं हो जिसमें होगा मार्कस ना, उसमें नवीन रख लिया जाएगा, उसके बाद मोहसिन खान को रख लिया जाएगा, ऐसा ये नहीं, नवीन के साथ में यश ठाकुर,
क्योंकि तीन ओवर पावर प्ले में फेंकवाया तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ज्यादा तीन दो दो चार ओवर पावर प्ले में फेंक देगा यार बल्लेबाज करेगा क्या यार, फिर मतलब ही नहीं बनेगा ऐसा। फिर उसके बाद नवीनुल हक जो है डेथ में 15वां करेंगे, रवि बिश्नोई 16वां कर देंगे और यश ठाकुर 17वां और 19वां कर देंगे और मोहसिन खान 18वां 20वां कर देंगे। तो ये दो ओवर जो है ना इसमें बैट्समैन विकेट फेंक के जाता कह सकते हैं, रन भागने के चक्कर में चली जा रहा भाग रही कुछ भी मिल जा रहा है ना रिस्की रन लेकर के, तो विकेट फेंका जाता है यहाँ पर। रिस्की शॉट तो मतलब कितना लगता है डेथ में वो तो दुनिया को पता है, हमको बताने की जरूरत नहीं है ना। इसलिए थोड़ा सा यश चाहे मोहसिन में से मेरे को एक को चाहिए तब जाकर काम बनेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन किसको आउट करता है, तो ये भाई साहब भुवनेश्वर कुमार हैं मगर 81 बॉल पर 18 रन 1 बार आउट किया, तो उतना मेरे को फर्क नहीं पड़ता उनसे, ठीक है। नटराजन 22-14-1, कमिंस 29-39-1, समत 35-35-1 है ना, देख सकते हैं। दीपक हुड्डा के लिए 8-9 बॉल ऐसा करके, बाकी अब्दुल समद को ठोकाई हुआ था 19 बॉल में 22 रन। मार्कस स्टोनिस को 13 बॉल नटराजन फेंक के 1 बार आउट कर दिया 11 रन देकर के, तो किसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। खासकर ज़्यादा केएल राहुल पे ही सवाल उठ के आ रहा है, मगर फिर भी रन बंदा मारा है और नटराजन ही यहाँ पर भी आ रहा है भाई, दो जगह अच्छे अच्छे बैट्समैन को आउट करने में, ठीक है। तो इस चीज़ का नटराजन थोड़ा सा देखना जरूरी है यार। उसके बाद ये आपके लिए टेलीग्राम में इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, वहीं पर हमारी टीम जाएंगे, आप बिल्कुल फ्री जाएंगे टीम है ना। रोटेशन के साथ मिलेंगे आपको, 2-3 टीम हो सकता है मिले, मल्टीपल का मतलब यही मेरा 2-3 टीम। कुछ बोलते हैं भैया मल्टीपल मतलब क्या होता है, तो 2-3 टीम का मतलब इसका होता है, ठीक है। ट्रंप में देखें यहाँ पर मयंक अग्रवाल, दीपक हुड्डा, रवि बिश्नोई, शहबाज अहमद, समझे, ये ट्रंप कार्ड में आ सकते हैं। इसमें से कम दो तो फिक्स है मान लीजिए, आप किसको रोटेशन देते हैं आप वो आपके ऊपर है। इसलिए बोला दीपक हुड्डा, हुड्डा जो है ऐसे बहुत बेकार, मतलब कहाँ बताए काहे खेलाता है सब समझ में नहीं आता। हम जीएल के हिसाब से तो बिल्कुल दीपक हुड्डा किसी के टीम के लायक है नहीं, ना खेलने के लायक है, बाकी टीम के हिसाब से उनका ठीक है, कभी कभी आया तो बढ़िया धुन धान दिया, ऐसे तो मतलब नहीं मैं बोलता हूँ। ट्रेविस हेड, स्टोइनिस, केएल राहुल, नीतीश रेड्डी, ये सेफ सीबीसी का एक ऑप्शन मिल सकता है आपको, इसको अगर लेके जाएंगे तब, क्योंकि पूरे दुनिया लेके जाने वाला है इसको। बाकी ये टीम है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को 4K में देखा कीजिए तब जाकर थोड़ा सा क्लियर साफ आपको दिखाई दे सकते हैं ये सब चीज़, इधर ऐसे आपको थोड़ा सा धुंधला भी दिखाई दे सकता है। ओके चलिए वीडियो यहीं तक छोड़ता हूँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, प्लस में एक वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा भाई, मेहनत आपके लिए यार लगातार। मेरे वीडियो कट देखते हैं आप नहीं देखेंगे कट, क्योंकि हम एक बार स्टार्ट किए तो बस सीधा एंड, बीच में कटकुट नहीं होता अपने पास, ठीक है। तो लगातार निरंतर मेहनत आपके लिए मैं करता हूँ, इसलिए एक लाइक, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए फिर मिलता हूँ टेलीग्राम पर, ठीक है, ओके बाय बाय।